कभी भी किसी भी बात की जिम्मेदारी मत लो, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप एक बेटर इंसान बन जाओगे और लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। जैसा कि 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कोवी ने कहा है कि जिम्मेदारी लेने वाले लोग यानी कि प्रोएक्टिव लोग हाईली इफेक्टिव होते हैं। यही लोग टॉप पोजीशंस पर होते हैं। टॉप पोजीशंस के लोगों की यही सबसे खास आदत होती है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें जो काम दिया जाता है वो उससे थोड़ा और आगे बढ़कर काम करते हैं। तो अगर आप भी जिम्मेदारी लेने लग जाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे तो आप और बेटर इंसान बन जाओगे। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बर्बाद करना है तो आपको प्रोएक्टिव नहीं, आपको रिएक्टिव बनना होगा। अगर मौसम खराब है तो अपना भी मूड खराब कर लो। किसी ने डांट दिया तो दिन भर मुंह लटकाए रहो। किसी से झगड़ा हो गया तो आप तरीके ढूंढो कैसे उसको नीचा दिखाया जाए। हमेशा काम से बचने के तरीके ढूंढो। अपना काम किसी और के सर पर डालने के आइडिया सोचो। ये आदतें सीधे आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। हमेशा बहाने बनाओ, बल्कि और भी अच्छा तो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स और फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करो। हमेशा ऐसी सोच बनाकर रखो कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उसकी वजह आप नहीं बल्कि कोई और है। आप एग्जाम्स में फेल हो गए तो इसकी वजह आपकी वो टीचर है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो इसकी वजह आपकी फैमिली है। जब भी कोई आपको किसी की सक्सेस स्टोरी बताए तो आप शान से बोलो कि अगर मेरी फैमिली भी पैसे वाली होती तो मैं भी वहाँ होता। अगर मेरे पास भी ये टैलेंट होता तो मैं भी वो कर लेता। लोगों को बताओ कि आपको इंग्लिश नहीं आती क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। सारी गलती आपके पेरेंट्स की है, उन्होंने आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला। और सारे नाकाम लोगों का सबसे फेवरेट बहाना बनाओ, वो ये कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सीखने का। अगेन 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कोवी ने जो एक और आदत बताई है, शार्पन द सॉ, यानी पेड़ काटने से पहले अपनी आरी की धार तेज कर लो। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है धार तेज करने का, तो हमेशा उस जंग खाई हुई आरी से ही पेड़ काटते रहो। अगर कोई आपसे कहे कि भैया आरी की धार तेज कर ले जल्दी पेड़ कटेंगे, तो उससे कहो कि भाई देख मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं धार तेज करते बैठूं। जब भी किसी से मिलो तो गलती से भी स्माइल मत करो, क्योंकि आप तो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। आपको क्या जरूरत है स्माइल करने की? स्माइल करने से तो सामने वाला आपको अच्छा इंसान समझेगा, जिससे वो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। अब चूंकि आप दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो तो आपके इंटरेस्ट और आपकी हॉबीज ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सामने वाला होगा अच्छा फुटबॉलर, होगा कोई अच्छा सिंगर, लेकिन आपको तो बुक्स पढ़ना पसंद है। तो हमेशा बुक्स की ही बातें करो। कोई ज़रूरत नहीं है उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट शो करने की, क्योंकि अगर आप उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट शो करोगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, इससे आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। आपको तो सड़ा सा मुंह बनाकर उन्हें बताना चाहिए कि आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कितनी पसंद है। हमेशा देर तक जागते रहो, क्योंकि सोने से तो आपका टाइम वेस्ट होता है ना। वही टाइम आप टीवी देखने में इस्तेमाल कर सकते हो, फेसबुक के न्यूज़ फीड स्क्रॉल करने में इस्तेमाल कर सकते हो, और यूट्यूब पर मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो ऑफ द वर्ल्ड भी देख सकते हो। आपके मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट भी आपकी मदद करेगी आपको जगाने में। और अगर थका हुआ फील कर रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, उससे आपको कोई एनर्जी तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको और देर तक वो जगा कर रखेगा। कभी भी अपने स्लीप शेड्यूल को कंसिस्टेंट मत बनाओ, हमेशा अलग अलग टाइम पर ही सोने जाओ। इससे आपकी बॉडी कभी भी नेचुरल स्लीप पैटर्न नहीं बना पाएगी। इसके साथ एक और काम जो आपको नहीं करना है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी नींद इंप्रूव कर सकती है। और एक्सरसाइज से ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिससे हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है और लाइफ के लिए एक अच्छा नजरिया बनता है। कभी भी अपने गोल्स मत लिखो, सिर्फ सपने ही देखो कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, लेकिन कभी भी अपने गोल्स मत लिखो और ना ही उन्हें अचीव करने का प्लान बनाओ। बिना क्लियर प्लान के आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे, लेकिन कभी भी अपने गोल्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को लिखकर क्लियर प्लान्स बनाओगे तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे उन्हें अचीव करने के। दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स लिखते हैं जो कामयाब भी हैं, बाकी के 97% लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो आपको भी उन 97% में ही रहना है। गोल्स लिखोगे तो आप भी उन 3% कामयाब लोगों में शामिल हो जाओगे, लेकिन आपको ये रिस्क लेना नहीं है। तो बस सपने देखते रहो कि मेरे ये गोल्स अचीव हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये सपने देखते हुए टीवी देखते रहो, चिप्स खाते रहो, एक्सरसाइज से तो ऑलरेडी तौबा कर ही ली है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ये बोनस टिप खास आपके लिए। कभी भी खुद को एजुकेट मत करो। कहीं आपको बुक्स पढ़ने का शौक तो नहीं है ना? बुक्स को तो सिर्फ टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए या हाथ सेकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा ये एटीट्यूड रखो कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। जो आपको पता नहीं है ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। और अगर आपको कुछ पता करना है तो फेसबुक पोस्ट देख लो,
और आजकल तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर सबसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो हर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिलीव करके उसे बेशर्मी से और बेवकूफ़ी से फॉरवर्ड भी कर दो। और ये बुक्स तो बहुत डेंजरस चीज़ है भैया, बुक्स तो आपको सोचने का एक नया नज़रिया दे सकती हैं। बुक्स पढ़ने से तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो सकता है, और ये पागल साइंटिस्ट बोलते हैं कि बुक्स पढ़ने से इंसान का ब्रेन और स्मार्ट हो जाता है। सच्चाई पर बिलीव मत करो, हमेशा वो बात याद रखो जो आपको बचपन से बताई गई है कि बुक्स पढ़ने वाले तो किताबी कीड़े होते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग बुक्स पढ़ते हैं ये सब बेवकूफ़ हैं, सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा समझदार हो।